चलिए अभी हम लोग आज देखेंगे न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास। इसको हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए हम लोग इसके पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखते हैं। हम लोग आज हम लोग देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आज देखते हैं हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज मीन बाय द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सेल्फोर्स में हम लोग वही पढ़ेंगे एडमिन और डेवलपमेंट में। देखिए यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग एडमिन सेक्शन देखते हैं। दिस इज योर एडमिन, एडमिन सेक्शन है आपका। अभी सेल्फोर्स में यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। विजिबल नहीं है सर। यस मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। योर स्क्रीन इज विजिबल नो सर। यस यस, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस 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 सर। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है थोड़े लोगों को। अभी इसके बाद हम लोग कुछ वर्ड यूज़ करेंगे। C++ में, जावा में, .NET में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन एडमिन में देखिए, अभी एडमिन को ही मुझे कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, एडमिन को ही कन्वर्ट करना है। एडमिन में देखो हम लोग, जैसे अकाउंट है मेरा, अकाउंट नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है अकाउंट, या ऑब्लिक स्टूडेंट डिटेल। एडमिन में देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्फोर्स में, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एडमिन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिन में ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हम क्या करते थे, अकाउंट और स्टूडेंट डिटेल, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे एग्जांपल तौर पे यही दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दीज आर द ऑब्जेक्ट सेल्फोर्स में। इसको हम लोग, ये एडमिन सेक्शन है, ये एडमिन सेक्शन में अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। मेरे वहाँ के आपको मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। और बोल सकता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट डिटेल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट का डेटा अपन ने कलेक्ट किया हुआ है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं एडमिन में। इज इट क्लियर। अब सेल्फोर्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेल्फोर्स में लड़के यही कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद सेल्फोर्स में हम लोग ऑब्जेक्ट मतलब एडमिन के अंदर का रहता है, स्टूडेंट अकाउंट कॉन्टैक्ट लीड अपॉर्चुनिटी केस स्टूडेंट डिटेल स्टाफ डिटेल स्टूडेंट एड्रेस स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, ये जो रहते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अभी यही पैटर्न में जब अपन कोडिंग में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं हम लोग, या इसको हम लोग कोडिंग कहते हैं सेल्फोर्स की, ओके कोड, या इसको हम लोग बहुत बार एपेक्स भी बोलते हैं, हम लोग एपेक्स कोड भी बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे वक्त ध्यान दीजिएगा, इन ए सेल्फोर्स, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या कहेंगे इसको, तो यहाँ पे जो क्लास रहेगा, जो भी क्लास रहेगा अभी देखेंगे पढ़ेंगे अभी, ओके क्लास जो रहेगा आपका, ये क्लास रहेगा आपका, ये क्लास रहेगा आपका, क्लास रहेगा आपका। तो क्लास जो रहेगा आपका, इसमें क्लास और ये जो एडमिन का ये जो रहता है, वो दोनों भी सेम रहते हैं। समझ में आ रहा आपको। तो क्लास की डेफिनेशन देखिए, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर, समझ में आया क्या आपको, बताइए।
हेलो यस सर ओके यस सर कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पे क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कभी भी याद रखिएगा क्लास दो चीज से बनता है, कभी भी याद रखिएगा क्लास हमेशा दो चीज से बनता है। एक रहेगा आपका डेटा, डेटा इसको ऑब्लिक में हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं हम लोग, और दूसरा रहता है लॉजिक, लॉजिक दूसरा क्या रहता है लॉजिक। ओके डेटा इसको हम लोग लॉजिक बोलते हैं, और लॉजिक को ही टेक्निकल वर्ड में हम लोग फंक्शन बोलते हैं, और इसको ही सेल्फोर्स में, जावा में या उप्स में, ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इसको हम लोग मेथड कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो क्लास इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड द लॉजिक। अब जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए डेटा और लॉजिक क्या होता है, मैं एक एग्जांपल पे आपको बता देता हूँ। इज इट क्लियर? ध्यान दीजिएगा, डेटा और लॉजिक मुझे क्या करना है, पांच सब्जेक्ट है उसके मार्क्स का एडिशन करना है। समझ में आ रहा है आपको? फाइव सब्जेक्ट्स है, आई हैव द फाइव सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट ओके आई हैव फाइव सब्जेक्ट एंड द सम ऑफ फाइव सब्जेक्ट मार्क्स। चलिए फाइव सब्जेक्ट मार्क्स। अब मुझे बताइए यहाँ पे अभी इसका मुझे क्लास बनाना है। अपन देखेंगे क्लास क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, सब 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 देखेंगे हम लोग। फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा, मुझे एक पांच सब्जेक्ट है और पांच सब्जेक्ट का सम करना है मुझे बाय यूजिंग क्लास। क्लियर हो गया आपको? तो क्लास इज नथिंग बट पूरे सेल्फोर्स को ऐसे ही काउंट करेंगे आप तो अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? तो क्लास जो रहेगा, क्लास इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज द लॉजिक। अब मुझे यहाँ पे पांच सब्जेक्ट के मार्क्स का एडिशन करना है, तो मुझे सबसे पहले पांच सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना। हेलो, मुझे लेना पड़ेगा कि नहीं पांच सब्जेक्ट? यस सर, यस सर। ओके M1, यस सर। M1 50 मार्क्स। देखिए बहुत बेसिक है नो डाउट, बट इससे ही आपके बड़े कोडिंग समझ में आ जाएगा। बेसिक कोड ही मेन रहता है। इक्वल्स टू 70 एंड 4 इक्वल्स टू 50। ये महीना ही सिर्फ आपका थोड़ा सा और बोरिंग जाएगा। नेक्स्ट महीने से ही आप लोगों, मतलब नेक्स्ट वीक से ही आप लोगों का, या ये वीक से ही आपका, मतलब मोस्टली समझ लीजिए कल से आप लोगों का सेल्फोर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। आप समझ जाएगा इक्वल्स टू 60। ये रहेगा आपका M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3, M4, M5 60 रहेगा आपके। ओके और बाद में मुझे तो ये क्या हो गया मेरा बताइए, और एक सम रहेगा आपका। ये क्या हो गया मेरा डेटा। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये रहेगा आपका डेटा। लॉजिक क्या रहेगा आप लोगों का? लॉजिक क्या रहेगा आपका? सम इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, सम इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 सेमी को, ये कैपिटल लेटर जाने दीजिए। तो क्या होगा, ये डेटा हो गया आपका, ये डेटा हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, लॉजिक हो गया। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो कोई भी आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको हमेशा प्रोग्रामिंग में दिमाग में यही डालना कि अपने पास दो ही चीज़ें हैं, डेटा एंड द लॉजिक। तो कभी भी याद रखिएगा लॉजिक हमेशा फंक्शन में लिखा जाता है। लॉजिक किस में लिखा जाता है? हमेशा फंक्शन में लिखा जाता है। अपन देखेंगे फंक्शन क्या होता है, वो पढ़ेंगे। लॉजिक हमेशा फंक्शन में लिखा जाता है, लॉजिक हमेशा फंक्शन में लिखा जाता है। क्लियर कीजिए, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास की डेफिनेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसको अपन टेक्निकल वर्ड में या सिंपल
इंटरव्यू देना है तो क्लास इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड द लॉजिक दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास. हम लोग इसमें पढ़े हैं सी प्लस प्लस में जावा में पढ़ा है तो जावा की डेफिनेशन है क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर शेड्यूल का हम लोग सब डेटा एक जगह पर रखते हैं उसको हम लोग क्लास बोलते हैं. लेकिन क्लास मेरे तरीके से डिफाइन करूँगे टेक्निकल आंसर देना है तो क्लास इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द लॉजिक. ओके क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताइए. यस सर. यस सर. ओके. यस. इंटरव्यू में देता हूँ यही क्वेश्चन आंसर देना व्हाट इज द क्लास पूछते कभी कभी लेकिन दो साल के एक्सपीरियंस वालों को नहीं फ्रेशर को पूछा जाता है व्हाट इज क्लास. क्लास इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द लॉजिक. ओके तो अभी देखते हैं हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या रहेगा. तो सिंटैक्स बताता हूँ मैं आपको और बाद में अपन फंक्शन देखेंगे. सिंटैक्स ऑफ क्लास. ओके यहाँ पे अपन देंगे क्लास क्लास में ये जो ब्रैकेट दे रहा हूँ इसका मतलब क्या रहता है. ये लेस देन ग्रेटर देन एंड लेस देन एचटीएमएल का पार्ट रहता है. नहीं इसको बोलते हैं देखो ऐसे कभी भी दिखेंगे ना आप लोगों को इन फ्यूचर इसको बोलते हैं जनरलाइज और इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड. यूज़र डिफाइंड का मतलब हम हमारे तरीके से यूज़र या प्रोग्रामर या डेवलपर अपने तरीके से इसका नाम दे सकता है. ये क्लास आपका कीवर्ड है ये देना ही पड़ेगा आपको लेकिन इसके अंदर रहा मतलब समझ जाने का ये यूज़र डिफाइंड है. यूज़र डिफाइंड मतलब यूज़र अपने तरीके से नाम दे सकता है. यहाँ पे मुझे नाम देना है स्टूडेंट तो स्टूडेंट दूंगा कॉलेज है तो कॉलेज दूंगा आपका खुद का मेरा नाम देना है गौरीशंकर तो गौरीशंकर दूंगा. ये यूज़र डिफाइंड है. समझ में आ गया आपको क्लियर हो गया आपको. ओके ऐसा कहीं पे भी दिखेगा तो ये वाले सिंबल ये सिंबल इंडिकेट करता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा जनरलाइज मतलब ये डिसाइड कौन करता है. ये डिसाइड कौन करता है डेवलपर यूज़र क्या नाम देना है आपको इसको यूज़र डिफाइंड ऑपरेशन बोला जाता है. इसके बाद रहेगा क्लास इज देखिए क्लास की डेफिनेशन क्या है. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ क्लास सिंपल. ओके क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एज वेल एज द लॉजिक. तो मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल लिस्ट ऑफ वेरिएबल रहेगा आपका. ओके यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल और उसके बाद रहेगा लिस्ट ऑफ वेरिएबल देखेंगे हम लोग बाद में यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शन. लिस्ट ऑफ फंक्शन देखेंगे हम लोग इसको भी क्या रहता है. तो ये रहेगा क्लास का सिंटैक्स. अभी हम लोग कभी भी याद रखेगा हम लोग क्लास कभी याद नहीं रखते वैसे क्लियर. अब क्यों नहीं रखते क्या नहीं रखते तो हम लोग इसलिए बताते हैं हम लोग. ओके क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो अभी क्लास की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मैं 10 बार देखो ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा क्लास. ओके तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर शेड्यूल में हम लोग उसका सब इंफॉर्मेशन अपन एक जगह पे रखते हैं उसको हम लोग क्लास बोलते हैं. इज इट क्लियर. अभी यहाँ पे नहीं क्या कुछ चीज़ें रहती हैं हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे उसमें क्लियर हो जाएगा. राइट ए क्लास फॉर स्टूडेंट हैविंग यस सर यू आर ऑडिबल फॉलोइंग हेलो यू आर ऑडिबल सर. हेलो आई नो दैट. Write a class for student having the following data members
डेटा मेंबर्स, पहला रहेगा आपका स्टूडेंट नेम कॉमा, बाद में रोल नंबर, और थर्ड रहेगा परसेंट। और फोर्थ रहेगा स्टूडेंट एड्रेस। ओके, ये फोर वेरिएबल्स रहेंगे उसमें। ओके, फुल स्टॉप, डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा, जाएंगे अपन स्लोली स्लोली जाएंगे इसके ऊपर क्या रहेगा। तो क्लास, क्लास के भी रूल्स देखिए। पहला क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज लॉजिक। दूसरा पॉइंट देखिए, क्लास क्रिएट ओनली वंस। क्लियर हो गया, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास एक ही बार बनता है। तीसरा रूल, क्लास नेवर रन, क्लास खुद रन नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी प्रोग्राम को मुझे रन करेंगे, रन करेंगे तभी जाके आपका आउटपुट आएगा आपका, इज इट क्लियर? ओके, तो क्लास का पहला रूल, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और डेटा एंड लॉजिक। दूसरा, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास एक ही बार बनता है। क्लियर हो गया? तीसरा रूल, ओके, क्लास नेवर रन। अभी मुझे यहाँ पे इसका क्लास बनाना है। ओके, अभी अपन क्लास बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग क्लास बनाते हैं। अब ये सिंटैक्स है, ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्लास का सिंटैक्स है क्लास, क्योंकि ये देना ही पड़ेगा आपको क्लास। अब क्लास का नाम देना है, मुझे क्या दूंगा क्लास का नाम बताइए? स्टूडेंट। यस आई एम ऑडिबल, हेलो। यस सर, ये देखिए, ये क्लास, ये क्लास रहेगा आपका, क्लास का नाम देंगे पर स्टूडेंट दिया है उसने। ओके, इसके बाद इसने क्या बोला है, वेरिएबल्स बोला है उसने, वेरिएबल्स बोला है। कौन सा वेरिएबल बोला है? स्टूडेंट नेम। अभी आपको पता रहना चाहिए नेम के अंदर क्या आ जाएगा, पार्थ आएगा। पार्थ इज नथिंग बट द वर्ड, वर्ड को टेक्निकल वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग। और स्ट्रिंग जो रहेगा आपका यहाँ पे दे देंगे अपन नहीं, सेमी कॉलम। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके, दूसरा क्या रहेगा आपका बताइए? रोल नंबर, रोल नंबर अपन किस में देते हैं? इंटीजर में। रोल नंबर क्लियर हो गया आपको? तीसरा रोल यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या रहेगा यहाँ पे? परसेंटेज। परसेंटेज किस में रहेंगे आपके? पॉइंट में आ सकते हैं, डबल ईआर, डबल ईआर। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा आपका? एड्रेस, एड्रेस स्ट्रिंग में आएगा आपका। तो ये हो गया मेरा क्लासेस, क्लास के अंदर अपन जितने वेरिएबल्स थे ये सब वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, इज इट क्लियर? तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द लॉजिक। तो मैंने डेटा ले लिया, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, एड्रेस। अब लॉजिक क्या है, क्या है यहाँ पे देखो, डिस्प्ले द स्टूडेंट डेटा। तो कभी भी याद रखना, लॉजिक हमेशा फंक्शन में ही लिखा जाता है। लॉजिक इसमें लिखा जाता है, फंक्शन में लिखा जाता है। अपन पढ़ेंगे लॉजिक फंक्शन क्या होता है। तो वॉइड, यहाँ पे अपन एक फंक्शन लिखते हैं, पुट डेटा। मैं पूरा आज कॉम्बिनेशन बता दूंगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अपन देखेंगे, इसको डिस्प्ले कर देंगे, सिस्टम डॉट डीबग। और यहाँ पे अपन दे देंगे जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर, अपन नेम दे देंगे। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस,
समझा कि नहीं समझा, जस्ट टेल मी। समझा सर, समझा। नितिन मैम, इंदु मैम को तो आ ही जाएगा बिकॉज दे आर कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन बाकी को देखिए समझ में आया क्या आपको, पहले क्लियर करो। प्रतीक समझ में आया सर, ये एपेक्स में पुट डेटा यूज करेंगे क्या? हाँ हाँ, पुट डेटा जो अपना फंक्शन का नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, पुट डेटा, गेट डेटा, डिस्प्ले, कोई भी यूज कर सकते हैं। विदित, पिशा, स्वप्निल, जरे, समझ में आ रहा है क्या आपको? स्वप्निल, यस सर। बाकी किसको नहीं समझा मुझे बताइए आपको, क्योंकि ये बेसिक चीज है। इंदु मैम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आपको? सर समझ गया, समझ गया। नहीं नहीं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। महेश समझा क्या? मिहिका मैम, खुशाली, काजल, यस सर, यस सर, बादल, बिलाल खान, यस सर, समझ में आ रहा है ना आपको? अश्विनी मैम समझ में आया क्या आपको? अश्विनी मैम, यस सर। चलो ये रहेगा, अपन इसको रन करके देखेंगे, मैं बताता हूँ। ये अभी अपन चालू किया है हम लोगों ने, अभी फिलहाल देखते हैं हम। अभी मैं रूल्स बताता हूँ कुछ, क्योंकि क्या होता है बहुत से लोगों को रूल्स भी नहीं पता है, तो हम लोग रूल्स बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला रूल देखते हैं हम लोग क्लास का, रूल्स फॉर क्लास। ओके, पहला रूल क्लास में, क्लास के नाम का देखिए। पहला रूल क्या होता है? द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज, फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है देखिए यार, मैं भी एग्जांपल देता हूँ आपको, कैसा एग्जांपल देखिए। अब इस क्लास का नाम क्या था? स्टूडेंट था, तो फर्स्ट कैरेक्टर आपका हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, अभी एखादा क्लास का नाम दो वर्ड से बनता होगा, दो वर्ड से, स्टूडेंट डेमो, तो एस कैपिटल रहेगा, डन और डेमो। हर एक कैरेक्टर, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या रहेगा? आपका कैपिटल रहेगा। आपका तीसरा वर्ड भी रहेगा, स्टूडेंट डेमो वन करके देंगे, ऐसा रहेगा आपका। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद यहाँ पे गैप नहीं चलेंगे, कंबाइन ही चलेगा आपका। इतना क्लियर हो गया आपको क्लास के रूल्स? क्लियर हुआ क्या? ये रहना चाहिए। इसके बाद यही को, इसी को फॉलो करेंगे आप लोग, इसको ही फॉलो। क्लास के रूल है क्या? हाँ, ये अपेक्स क्लास के रूल्स है। ओके ओके, अपेक्स ये C++ की रूल उठाए उन्होंने, ऐसे कोई बाहर के नहीं उठाए, ये रूल C++ की है। ये क्लियर हो गया क्या? आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दो क्लास का नाम रहे, एक क्लास के नाम में तीन, थ्री वर्ड्स रहेंगे, फोर वर्ड रहेंगे, तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल। ओके, बाद में रूल्स फॉर, रूल्स फॉर फंक्शन। अब कुछ दिन के बाद ये फंक्शन वर्ड यूज करना बंद कर दूंगा, मेथड बोलूंगा मैं। ओके चलिए, अब बहुत लोगों को नहीं पता इसलिए मैं फंक्शंस का नाम दे रहा हूँ। तो देखिए, एक वर्ड होगा फंक्शन होगा आपका, जैसे फंक्शन का नाम एखादा होगा, फंक्शन का नाम यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का फंक्शन होगा। अभी फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, तो डिस्प्ले रहेगा आपका फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। तो इट इज़ ऑलवेज अ स्मॉल लेटर। ओके, लेकिन फंक्शन का नाम दो वर्ड से बनता होगा, डिस्प्ले डेमो करके, तो सेकंड वर्ड जो रहेगा, फर्स्ट वर्ड तो स्मॉल ही रहेगा पहला कैरेक्टर, लेकिन दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल रहेगा। सपोज डिस्प्ले डेमो वन करेंगे हम लोग, तो डिस्प्ले नाम का एक मेरा एक वर्ड है फर्स्ट वर्ड, उसका पहला कैरेक्टर क्या स्मॉल रहेगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैपिटल रहेगा, उसके बाद वन इसका भी कैपिटल रहेगा। समझ में आ गया क्या आपको, मुझे बताइए, बीच में गैप नहीं चाहिए। ओके, अब इसके बाद यही रूल फॉलो हो गया। अब बोलेंगे सर नहीं लिखा तो क्या जाता है, आपका कोड रन हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो टेस्टर के पास जाता है ना, ओके, QAT जिसको बोलते हैं हम लोग, क्वालिटी कंट्रोल, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके कोड को वापस भेज देते हैं। ओके, वापस भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे देते हैं वो, एरर नहीं देते। और कभी भी सबसे बेकार लोग रहते हैं टेस्टर, क्योंकि टेस्टर वालों का पेमेंट एज़ कम्पेयर टू डेवलपर से कम रहता है, तो पहले से खुन्नस रहती है उनके वाले,
और आपका कोड जब इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं कोड फटना, जब कोड फटाना तो सबसे पहले वो टीम लीडर को ही फ़ोन करते हैं आपका नाम बताने के लिए। इसलिए हम लोग जो भी कोडिंग पढ़ेंगे सेल्सफोर्स के अंदर, हम खुद ही उसको बुक बनाएंगे, खुद ही उसका टेस्ट क्लास लिखेंगे, खुद ही उसका यूनिटी फैक्टर निकालेंगे, सब कुछ खुद ही करेंगे। मतलब अपने को ही पता चलेगा कि अपना कोड सेफ है, तो भी वो कोड फटता है क्वालिटी कंट्रोल में जाकर, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं। ये रहेगा आपका सर, आपने यहाँ सिस्टम डॉट डिबग नेम लिखा है, यहाँ तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था ये आपने। अच्छा, ओके अच्छा। तो ये रूल है फंक्शंस के। अब तीसरे रूल्स बता देता हूँ हम लोग यहाँ पे, रूल्स फॉर यहाँ पे वेरिएबल, रूल्स फॉर वेरिएबल, या कभी कभी इसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। टेक्निकल में आप लोग जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको एट्रीब्यूट ही बोला जाता है। ओके, वेरिएबल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, क्लास के अंदर यूज़ करने वाले ये जो फंक्शंस, ये नाम जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब उसके रूल्स बताता हूँ आपको क्या रहेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज रिटर्न इन द स्मॉल केस। ओके, जैसे नेम लिखना है, नेम नेम स्मॉल केस में लिखेंगे। ओके, आपको रोल नंबर लिखना है तो रोल भी आपका एक वर्ड है, ये हमेशा टोटली स्मॉल में लिखेंगे और बीच में गैप नहीं चाहिए। अब किसी ने बोला कि सर गैप नहीं चाहिए, इट्स ओके, कोई कोई रहता है बोलते ही चाहिए। अब नूतन मैम बोलेगी नहीं मेरे को कैपिटल में ही लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है, लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं कैपिटल में लिखा तो इसका एक अलग वर्डिंग होता है, इनम करके आपने सुना है क्या, इनम? यस सर, उसका यूज होता है यहाँ पे कैपिटल, लेकिन सर हमने कभी यूज नहीं किया वो, मैंने नहीं किया। नहीं, बहुत काम का रहता है, इतना काम का है, इससे आप आपकी जो कोडिंग है ना बहुत कम हो जाती है उसका। सर एक्चुअली टीचिंग में तो स्पेसिफिक ही रहते ना, तो इंप्लीमेंटेशन लेवल का नॉलेज, प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ाई में जो मतलब टीचिंग स्कीम में जितना कम पढ़ाया जाता वही कंपनी में ज़्यादा यूज होता है, याद रखना कभी। तो ये रूल्स रहेंगे आपके, ये रूल्स रहेंगे, वो इनम जिसको भी आता है ना, जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, इनम दैट इज एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, राइट? यस 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 सर, उसका मैक्सिमम यूज जो होता है फॉर द नंबर, फॉर नंबर नेम प्रेजेंटेड इन द नंबर, नंबर और नंबर को एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग से बहुत फास्ट होता है, इसलिए नहीं क्या डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आप गूगल में मालूम है कि इनम के थ्रू सब काम होता है, इसलिए गूगल इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। ओके, चलिए देख जाने दीजिए, वहाँ पे हम लोग देखते तो दीज आर द रूल्स फॉर लिखने का तरीका, क्लास नेम फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके बाद मेरे को वही रूल्स चाहिए, मैंने लिखे हुए गलत है यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये रहेगा आपका, तो इसको हमेशा स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, कभी अपन कैपिटल में लिखेंगे नहीं। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को सिंपल, देखेंगे अपन बाद में क्या होता है। यस, इज इट क्लियर ऑर नॉट, जस्ट टेल मी। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपके रूल्स, तो इसी रूल से मुझे फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि बहुत जन ये देखते हैं कि आप कैसे लिख रहे हो कोडिंग, कोडिंग लिखने का देखो मैं यहाँ पे भी कितना वर्ड पेंट में लिखना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर इसमें, लेकिन तो भी मैंने लिखते वक्त देखो कैसे लिखा बराबर इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर, इसको बोलते हैं एक अच्छा डेवलपर। कैसे भी लिखो, नींद से भी उठेगा देखो, देखो सिंटैक्स भी मैंने वैसे ही लिखा था, मिल गया आपको यहाँ पे। तो ये रहेगा आपके, इसको बोलते हैं क्लास, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी इसको हमको याद रखना है ना, तो हम ऐसे याद नहीं रखते, मैं जब पूरा क्लास बनाऊंगा ना इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा। अपना जो घर रहता है, अपना बेडरूम रहता है, हॉल रहता है, किचन रहता है, अपनी मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, आपका भाई रहते हैं और आप रहते हो, उसी को क्लास समझने का, बस उसको ही देखना है। ज़िंदगी में आप लोग क्लास और क्लास के बारे में कभी भूलोगे नहीं, उनको याद करने का आपको पूरा ऊप्स कंसेप्ट नहीं क्या, आपके मेंबर्स को याद करने से ही इंटरव्यू का ऊप्स निकल जाएगा आपका टेक्निकल में। ओके, चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। तो ये रूल्स हो गए आपके, अभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्लास की डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में बताया था, ये चीज़ याद रखना, क्लास का पहला रूल कहते क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क। सेकंड, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास एक ही बार बनता है। तीसरा रूल क्या है, क्लास नेवर रन, क्लास रन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्लास रन नहीं होगा तो, लेकिन जब तक क्लास रन करें रन नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा।
तो इसलिए क्या होता है, कभी भी याद रखिएगा, हमारे पास दो मेकेनिज्म होते हैं कभी भी, ओके। उस कंसेप्ट में दो मेकेनिज्म लिए बनाए हुए। एक मेकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, हमारा लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक, जिसको हम लोग सिंपल वे से क्लास बोलते हैं, उसको हम लोग सिंपल वे से क्या बोलते हैं, क्लास, ओके। इसको हम लोग क्लास बोलते हैं, इसको सिंपल वे से क्लास, इसमें अपन जो भी लॉजिक लिखना है अपने को, जो भी वर्क करना है वो लिखते हैं हम, ओके। उसके बाद ये लॉजिक ही है, लेकिन इसको ये खुद रन नहीं होता, ये एक कंटेनर है। हम लोग क्लास को टेक्निकल वर्ड में कंटेनर बोला जाता है। हमेशा जो आपके कलीग्स रहेंगे सेल्फोर्स में, वो बोलेंगे यार कंटेनर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कंटेनर मतलब मेरे को क्लास समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ना, क्लास का डेफिनेशन क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, ओके। कंटेनर में भी क्या रहता है, सब इन्फॉर्मेशन ही रहती है ना, सब सामान इसके अंदर रखते हैं ना, तो क्लास इज नथिंग बट द कंटेनर। तो ये वर्ड कंटेनर हमेशा आते रहेगा सेल्फोर्स में, तो कंटेनर इज नथिंग बट द क्लास। तो कभी भी याद रखा, क्लास में हम लोग सिर्फ लॉजिक लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर एक ही बार बनाया जाता है, कंटेनर कभी रन नहीं होता। तो उसको रन करने के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, तो ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट क्लास। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास नेवर नेवर रन, क्लास कभी रन नहीं होता। तो क्लास को टेक्निकल वर्ड में हम लोग कंटेनर बोलते हैं, कंटेनर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा इसके, लेकिन क्लास कभी रन नहीं होता। क्लास को रन करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट क्लास, ओके। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट क्लास, ध्यान दीजिए। तो क्लास में सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, जो भी लॉजिक लिखना है वो लिखते हैं, और वो एक ही बार लिखते हैं, लेकिन ये कभी रन नहीं होता, नेवर रन, कभी रन नहीं होता। अब मैं सबसे लास्ट में इसका वे बताऊंगा याद रखने का, बहुत ईजी है। तो ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट क्लास, क्लास को रन करना है तो अपने को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब इसका भी सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट का, ओके। क्लास, क्लास नेम, ओके, इक्वल्स टू न्यू। अब बहुत बड़े कंसेप्ट है, इतने कंसेप्ट में पढ़ाने के लिए जाऊंगा ना तो तकलीफ जाएंगे। न्यू क्लास नेम, तो ये देखो क्लास का सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स ये रहता है, ऑब्जेक्ट ही रन करेगा आपका। चलिए, ऑब्जेक्ट ही रन करेगा आपका, तो ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट क्लास। तो क्लास सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करता है बस, उसका और कुछ काम नहीं, और एक ही बार बनता है, उसको मुझे रन करना है तो ऑब्जेक्ट बनता है। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए, ओके। तो ऑब्जेक्ट का लिखने का सिंटैक्स इस तरह से होता है। यस सर। ऑब्जेक्ट नेम, अब बताइए नेहा, यहाँ पे समझ में आया कि आपको मैंने ऐसे क्यों दिया? ऑब्जेक्ट का नेम भी आप कुछ भी दे सकते हो, आपको तरीके से जो देना है, समझ में आ रहा है? सर यहाँ स्टूडेंट का एग्जांपल लिख लेते हो। हाँ यस, वही एग्जांपल दे रहा था। अब ये देखो, ये क्लास है मेरा स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट नाम का क्लास है आपका। इस क्लास को, क्योंकि अपने को इसके ऊपर काम करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और अभी अपन क्या करेंगे, कल अपन ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरे अकाउंट कॉन्टैक्ट लीड, इसको पूरा कन्वर्ट करके देखो। आप लोग बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि उसके बहाने से आप लोग हर एक ऑब्जेक्ट, मुझे अकाउंट कॉन्टैक्ट लीड अपॉर्चुनिटी केस ऑर्डर प्रोडक्ट, ऐसे 9 मेरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप्स को देखने का आपको ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मुझे इस क्लास को रन करना है, तो क्लास रन नहीं होता, क्लास का ऑब्जेक्ट रन करना पड़ता है आपको। तो क्लास का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट। देखो मैंने पहला लेटर कैरेक्टर लिखा है, स्टूडेंट कैपिटल ही लिखा है आपका, ओके। यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम जो भी देना है मुझे, मैं दे देता हूँ एस दे देंगे हम लोग, S1 दे देंगे या S दे देंगे, इक्वल्स टू बाद में न्यू, और उसके बाद स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलन।
इतना क्लियर हो गया आपके आपको, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ऐसे ही होता है, ऐसे क्लियर। तो मैंने आपको बताया सर ऑब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है, मैंने क्लास, तो क्लास सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करता है, वो रन नहीं करता है, रन करना तो मुझे ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताइए, समझ में आ गया आपको। रूल्स अभी इसके बाद लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ओके ये रहेगा। इसका आगे जाके फ़र्क बहुत समझ में आएगा आपको, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, कांस्टेंट, इसके लिए बहुत काम में आएगा। मैं ये जो बता रहा हूँ ना आपको 10 बार, आपको अभी बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इस वक्त वो आपको क्लियरिफाइड होगा। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे। चलो अभी अपन एक प्रोग्राम को रन करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सेटअप पे जाते हैं, डेवलपमेंट में जाते हैं, डेवलपर कंसोल में जाते हैं, हम लोग एक क्लास बनाते हैं। हम लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था दिस इज़ योर विंडो, ये आपकी विंडो है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो विंडो होती है ना आपकी, ये वाली विंडो, ओके ये विंडो सेल्सफोर्स के अंदर जाके स्टोर होती है, डेटा अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, ओके। और ये विंडो जो होती है ना, ये टेम्प्ररी विंडो होती है, अननोमस विंडो, इसके अंदर का जो भी डेटा है वो आपके सेल्सफोर्स में स्टोर नहीं होता है। तो अभी अपन इस विंडो के ऊपर क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, एपेक्स क्लास देखेंगे, इसका आगे का वर्जन ट्रिगर है, इसके आगे के वर्जन ये सब है यहाँ पे, लेकिन इसका मेन यही है, ये आ गया ना आपको बाकी सब आ जाते हैं, ओके। सबसे टफेस्ट ये चीज़ रहती है, आप वो अपन देखेंगे अभी, बस 10 दिन के बाद वही आने वाला। क्लास का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, गलत लिख रहा हुआ एस कैपिटल, एक बार बनाने के बाद इसका चेंज नहीं होता। मैं पहले नाम पहले बताता हूँ, जब भी रूल थे वो लगा के रखो, स्टूडेंट डेमो हो गया आपका, ओके करो, चलो बन गया मेरा, ओके ये बन गया मेरा। अब इसके अंदर मुझे क्या बोला गया है ध्यान दो, इसके अंदर पब्लिक लगाया हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसका पब्लिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है। तो अपन देंगे स्ट्रिंग नेम सेमी कॉलम, दूसरा क्या बोला है उसने, इंटीजर रोल नंबर, इसके बाद थर्ड क्या था आपका, डबल परसेंटेज, जो रूल्स बताए उसी को फॉलो करना पड़ेगा बराबर। इसके नीचे एक टैब के बाद ही आपको लिखना है चीज़ें, पहले से आदत लगा दीजिएगा। यहाँ पे तीन ही लिखता, मैं स्ट्रिंग नहीं लिखता, एड्रेस नहीं लिखता, ओके ये हो गया। उसके बाद हम लोग हमेशा एक गैप देंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन लिखेंगे, वॉइड फंक्शन का नाम दे देंगे हम लोग पुट, डी ए टी ए, क्यों लिखा है क्योंकि पुट नाम का एक वर्ड है, डेटा नाम का दूसरा वर्ड है, तो पहला डी कैपिटल लेना चाहिए आपको। सपोज मैंने फंक्शन का नाम एक ही लिखा रहता है, डिस्प्ले नाम का, वो पूरा का पूरा स्मॉल में लिखा रहता है। अभी दिमाग में आदत डाल देना, ओके अभी अपने को डेवलपर बनना है तो, अगर पढ़ना है सिर्फ नॉर्मल तो आपका लुकआउट है, ये रहेगा यहाँ पे। अभी हम लोग यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट डीबग, डीबग ये दे देंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट में आपको मैंने बोला था स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग प्लस दे देते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले देते हैं, ये रहेगा आपका। डबल कोड में आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे। अब यहाँ पे रूल ऐसा आता है कि जो वेरिएबल को अपने डिक्लेयर किया है
उसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये मेरा क्लास हो गया। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एज वेल एज द लॉजिक, लॉजिक मतलब फंक्शन। क्लास क्रिएट ओनली वंस बट क्लास नेवर रन। इसको रन करके देखो बर आपको आउटपुट मिलता है क्या, नहीं। तो मुझे इसको रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट अपन डीबग में बनाते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। कैसे लिखने का तरीका, स्टूडेंट कहाँ था, डीबग नीचे था क्या, लॉग्स के बाजू में, डीबग कहाँ से ओपन किया आपने, नीचे ये यहाँ से, ये डीबग यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, म्यूट 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 कर दीजिए, यहाँ पे देंगे हम लोग और यहाँ पे अपना स्टूडेंट डेमो, ओके। यहाँ पे एस जी दे सकते हैं हम लोग, ओके। बाय रूल से कभी भी स्मॉल में ही देना कभी भी वेरिएबल्स, ओके। याद रखना ये स्टैंडर्ड पैटर्न्स याद ही रखना, क्योंकि टेस्टर बहुत बेकार लोग रहते हैं। आपको 1,00,000 रुपये मिलते रहता है और उसको 20,000 रुपये मिलते रहता है, लेकिन जब तक टेस्टर आपको ये नहीं करेगा तब तक। अब देखिए ये क्लास है, क्लास दिख रहा है क्या आपको, यस यस सर। क्लास के अंदर की वैल्यू अपन लेके आ नहीं सकते डायरेक्टली, क्लास एक बार क्लास बन गया तो ये आपका कंटेनर हो गया। तो क्लास के अंदर हम लोगों को क्लास रन करना है, तो क्लास इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे तभी जाके क्लास रन होता है, क्योंकि क्लास के अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन अपन डायरेक्टली क्लास के बाहर लिख नहीं सकते। वो किसके थ्रू लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट डॉट। अब इसका ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, एस डी डॉट डॉट लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इस फंक्शन का नाम। और कभी भी याद रखेगा लिखने के जगह पे अपन कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो अच्छा डेवलपर कहा जाता है, याद रखिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं होती है। ये हो गया आपका। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एज वेल एज द डेटा एज वेल, एरर आएगा इसमें बहुत बराबर से एरर आएंगी। अब क्यों आएंगी मैं बता देता हूँ, और फंक्शन और मेथड्स। तो क्लास नेवर रन, क्लास क्रिएट ओनली वंस, ये मैं 10 बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके 2-3 टॉपिक इसी के ऊपर है, वो टॉपिक से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या रहता है। तो यहाँ पे रहेगा आपका स्टूडेंट डेमो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ क्लास। इस क्लास सर आपने रूल्स फॉर क्लास बोला, क्लास क्रिएट वंस, क्लास नेवर रन, क्लास नेवर रन, सेकंड क्या था, नहीं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द लॉजिक, ओके। सेकंड वन इज द क्लास इज क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास नेवर रन, बस यही। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने ये जो एक एक सेंटेंस के ऊपर आगे का टॉपिक है जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो क्लास को रन करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, एस डी, मैं एक ही ऑब्जेक्ट क्लास बना रहा हूँ। इसके बाद फास्टली क्लास बनाएंगे, आपको बनाना आना चाहिए, मैं ढेरों क्लास दूंगा आपको बना के रखिएगा। तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस डी डॉट डिस्प्ले, तो क्लास के अंदर के डेटा फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूँगा। मतलब क्लास के अंदर देखो, क्लास के अंदर जो रहता है उसको मेम्बर्स बोलते हैं। तो क्लास के अंदर क्या है, वेरिएबल है और फंक्शन है। तो क्लास के अंदर जो भी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्बर बोलते हैं। तो मेम्बर दो टाइप्स के होते हैं, ये मेम्बर वेरिएबल हो गए और ये मेम्बर फंक्शन हो गए। क्लियर हुआ क्या आपको, बताइए क्लियर हो गया आपको। और क्लास के अंदर को जो भी मेम्बर्स होते हैं वो क्लास के बाहर अपन डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, क्लास के बाहर मुझे कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है। अब ये क्लास के अंदर का फंक्शन क्या है, मेम्बर ही है, उसको मैं बाहर कॉल करूँगा तो कैसे करूँगा, एच डी डॉट डिस्प्ले। समझ में आ गया क्या आपको, मुझे बताओ, यस। अब ये क्लास के अंदर देखो, क्लास के अंदर ये जो नेम रोल नंबर परसेंटेज दिया, ये क्लास के अंदर है मतलब ये मेम्बर है, क्लास के बाहर उसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, मुझे क्लास के बाहर उसको कॉल करना है ना, तो मैं ऐसे कॉल करूँगा एच डी डॉट नेम। समझ में आ रहा है क्या आपको, ऐसा क्लियर हो गया आपको, यस सर, ओके। डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं, एक बार क्लास के अंदर अपन ने जो दे दिया तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसको कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा। अब इसको ऑन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एरर देगा वो, ओके। क्या बोल रहा है, मेथड डड नॉट एग्जिस्ट, इनकरेक्ट सिग्नेचर, वॉइड डिस्प्ले फ्रॉम द टाइप ऑफ स्टूडेंट डेमो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन देखा जाए ना, ये विंडो अलग है और ये विंडो अलग है,
समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर हुआ आपको? दिस विंडो इज अ डिफरेंट एंड दिस विंडो इज डिफरेंट. अरे हाई कि नहीं समझा कि नहीं समझा ये बताओ. यस सर. ओके, अब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत जनों को क्यों लिखते क्या लिखते. तो अभी मुझे क्या करना है, अपना डेटा, ये विंडो मतलब एक दुनिया समझ लीजिए, ये विंडो मतलब दूसरा आपका प्लेटफॉर्म समझिए, टेक्निकल वर्ड में सेल्सफोर्स में बोल सकते हैं हम लोग. ओके, या आपका तो ये अलग प्लेटफॉर्म है और ये अलग प्लेटफॉर्म है. कभी भी याद रखेगा सेल्सफोर्स में एक प्लेटफॉर्म से, अब ये दोनों भी दिख रहे हैं, इसको विंडोज बोलेंगे लेकिन इसको अपन जनरलाइज वे से बोलते हैं कि ये एक मेरा एप्लीकेशन है, एक ऑर्क है और ये दूसरा मेरा ऑर्क है, ध्यान दीजिएगा. या मेरा एक ये प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स का, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है. तो कभी भी याद रखना, या एक मेरी विंडो है ये दूसरी विंडो है. तो जब मुझे एक विंडो से दूसरी विंडो में जब डेटा भेजना है तो उस वक्त मुझे उसको पब्लिक करना ज़रूरी होता है. अब देखो मैं डायरेक्ट पढ़ा सकता था लेकिन बताया नहीं, पब्लिक करना ज़रूरी है. अब मैंने इस फंक्शन को पब्लिक कर दिया तो ये प्लेटफॉर्म से वो दुनिया के या सेल्सफोर्स के कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा सकता है. तो देखो ये एक विंडो में और ये दूसरी विंडो है. देखो तो मैंने डिस्प्ले दिया था, मेरा प्रोग्राम बराबर है, कोई तकलीफ नहीं है. ओके, इसको सेव करेंगे ना तो आपका बराबर सेव रहेगा. यहाँ पे देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ. ये कंट्रोल एस, एरर कुछ भी नहीं है. देखो आप, एरर नहीं है मतलब प्रोग्राम बराबर है, लेकिन जब मैं रन करूँगा ना इसको, ओके, तब वो रन नहीं, वो एरर दे रहा है. ये विंडो को, ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्या है पता ही नहीं. मैंने क्या बताया, दिस विंडो इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड दिस विंडो इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म. एक प्लेटफॉर्म से इस डिस्प्ले को दूसरे प्लेटफॉर्म में, मतलब एक विंडो से दूसरे विंडो में जब लेके जाते हैं ना, तब मुझे इसको पब्लिक करना पड़ता है. अब मैं इसके अंदर बता देता हूँ पब्लिक. तो जब भी मैं पब्लिक कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पब्लिक कर दूंगा, उसके बाद ये डेटा आपका ग्लोबल हो जाता है. ये डेटा अपन कहीं पे भी किसी भी दूसरे जगह पे अपन इसको कॉल कर सकते हैं, मतलब ये विंडो से दूसरे विंडो में कॉल कर सकते हैं. अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे. आप लोग देखो, अभी ये देखो, अभी एरर दे रहा है आपको, इसका मेथड इज नॉट विजिबल. इसको अपन ने सेव करना है, कंट्रोल एस सेव करेंगे तभी उसको एक्सेस करेगा वो. ये सेव करने के बाद डीबग विंडो लेती है. अभी देखो एग्जीक्यूट करेंगे तो और एरर दिखाएगा. हो गया आपका रन, हो गया आपका, दिख रहा है आपका क्या आ रहा है? स्टूडेंट नेम नल, स्टूडेंट रोल नंबर नल और परसेंटेज नल. क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? ये मेरा क्लास है. यस सर. समझा आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? क्लास डायरेक्ट रन नहीं होता. अब इसको मुझे नाम देना पड़ेगा. यहाँ पे अपन नाम दे देते इक्वल्स टू रोल नंबर 01 परसेंटेज. ओके, कंट्रोल एस कर देते, सेव कर देते इसको. सेव क्यों नहीं हुआ? क्या बोल रहा है? सिंगल कोट. सर आज मुझे भी वही प्रॉब्लम गया था. सिंगल कोट. ओके, कंट्रोल एस पढ़ लेना ना. यहाँ पे हो गया मेरा रन, हो गया आपका. अब इसको रन करना है तो क्या करेंगे हम लोग? इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताएं. आ गया पार्ट 1995. इज इट क्लियर? जस्ट चलो, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, यस सर. तो मैं आपको एक बार टॉपिक कवर कर देते हैं हम लोग, दो मिनट के लिए, पाँच मिनट में. ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है आप लोगों को, लड़कों को ये नहीं आता यार, हंसी आती है. इसलिए इन्होंने आजकल क्या कर दिया कि टेक्निकल लोगों को ज़्यादा पूछ रहे हैं. विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड. विजिबिलिटी मोड जो होती है ना सेल्सफोर्स में या C++ में, जावा में T3 होती है. तीन, पहली रहती है आपकी प्राइवेट, पब्लिक प्रोटेक्टेड. यस, दूसरी रहती है आपकी प्रोटेक्टेड और तीसरी जो रहती है आपकी थर्ड वन, ये रहेंगे आप लोगों की पब्लिक.
ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इज इट क्लियर? तो ये अपन देखेंगे बाद में, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पब्लिक, मैं आपको क्लियर करवा दूँगा ये विजिबिलिटीज, मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, यस संजय आपको क्लासेस समझ में आया क्या? आप बना सकते हैं ये तो, yes, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, अभी हम लोग बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं रहता क्या इसमें? नहीं नहीं, स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा क्या? ये देखो डिफॉल्ट लिया ना अपन ने, डिफॉल्ट मतलब जिसको पब्लिसिटी नहीं देते हैं, ओके ये दे देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो आप एरर दे देता हूँ, एक्चुअली सॉरी है, सेव ही नहीं किया ना इसको, ये देखो निकालना है, इसको सेव करता हूँ, डिफॉल्ट ऐसा रहता नहीं है यहाँ पे, जैसे अपने इसमें सेल्फोर्स में जावा में चार टाइप्स की विजिबिलिटी मोड रहती है, देखो आ गया एरर, यस सर, इसमें पब्लिक देंगे तभी जाके वो इधर एक्सेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रूल है नहीं कि इसके साथ यूज करें, यानी बाय डिफॉल्ट नहीं लेता, वो स्पेसिफाई करना ही पड़ता। हाँ तीन ही रहते हैं, विजिबिलिटी मोड तीन ही टाइप की, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ओके तो ये रहेगा आपका, तो इसको देंगे हम लोग, और एक टॉपिक है फंक्शन का, और मेरे ख्याल से तो वो टॉपिक में कवर, इसी को एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलेंगे ना? यस यस यस, इसी को एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं? हाँ एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड भी बोला जाता है इसको, इसको डिटेल में मैं आपको इन एड्रेस में पढ़ाऊंगा। यस सर, ये हफ्ते में लॉजिक, क्योंकि आजकल लेके क्या हो रहा है, इंटरव्यू का पैटर्न चेंज हो गया, अभी उप्स कंसेप्ट पूछते हैं आप लोगों को, बहुत से लोगों को उप्स कंसेप्ट आते नहीं, मैं नोट्स दे दूंगा आप लोगों को, वो उप्स कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ क्या? मतलब जो नॉन आईटी वाले ना उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो आईटी वाले जैसे नूतन मैम है, बाद में ये जो लोग हैं इंदु मैम है, उनके लिए नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे कैसे सब बैठे हुए हैं तो सबको पढ़ाना ज़रूरी है मेरे को, इसलिए मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। सर कुछ प्रोग्राम असाइनमेंट दे दीजिए। हाँ पर दे देंगे ना अभी, एक्चुअली कैसा है वो फंक्शंस का मैं कवर करवा के दूंगा, बाद में मैं दे दूंगा आपको शेड्यूल्स को आपको, ओके? क्योंकि देखो मैं इसलिए ज़्यादा इसको ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं रहता सेल्फोर्स में, सेल्फोर्स अलग ही है पूरा, बट क्या होता है कि इंटरव्यू के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको बताना पड़ता है, सेल्फोर्स आपको दिखा हो क्या, बहुत अलग रहता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं हमारी कोडिंग चालू है बच्चों की, ओके मैं एक मिनट के लिए बता देता हूँ आपको, अभी इसके बैच के बैच में ही चल रहा है ये, आपको पढ़ना है और लड़के से बनाते हैं आप, अरे अपन यही तो ट्रिगर मंथ में थे, आपको मैं बता देता हूँ इस तरह से आपको बनाना है और बनोगे आप लोग। अभी देखो अपन डॉट डॉट लिख रहे हैं, एक छोटा सा क्लास लिखा है, अभी कितना बड़ा कोडिंग लिख रहे हैं लड़के, इसका कंपनी में यही पूछता है, कोई अलग ऐसा मैजिक नहीं रहता, मैं पहले आपको क्लियर करवा दूँ, ओके कोई अलग मैजिक नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए हम लोग ओपन में जाते हैं, ट्रिगर्स में जाते हैं हम लोग, हेलो सर। हाँ बोलो सर, ये वॉइड क्या होता है सर? मैं पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए तो कल फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ मैं, ओके टेंशन मत ले, कल आज मैंने सिर्फ क्लास बताया था तुमको, ओके उसका लोड मत लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, और बहुत जनों को आता है लेकिन बहुत जनों को नहीं आता है ना, नूतन मैम तनु क्या बोलते हैं इंदु मैम, देखो इसलिए पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट को, क्योंकि क्या क्योंकि लड़के बेचारे एकदम न्यू रहते हैं ना, अब आपको पता है लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है, और वो क्या होता है स्टार्टिंग में ही नहीं समझा तो यही बड़ा पॉइंट बनते जाता है इन लोगों का। मैं समझाऊंगा बेटा, वो कल ही अपने टॉपिक है यहाँ पे, मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, कोड आप देखिए, कितना बड़ा कोड है ये, देखो कितना बड़ा कोड लड़के हमारे बनाते हैं, देखो देखो कितना कोड, हार्डली 10 मिनट में बनाते हैं, ऐसा नहीं कि इनको बहुत दिन पहले पढ़ा, इनका डेवलपमेंट यहाँ से 25 दिन पहले चालू हुआ था, ओके ये भी कोड कुछ भी नहीं है, अभी अगले हफ्ते में बताऊंगा, इसका 4 पट कोड लिखेंगे वो 15 मिनट में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप याद रखोगे तो डेफिनेटली कभी ज़िंदगी में डेवलपर बन नहीं सकते, स्टेप्स याद रखने के होता है। देखो इस कोड को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये दिस इज़ माई फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट, ओके एंड दिस इज़ माई थर्ड पार्ट, बस ये मेरा तीसरा पार्ट है,
ओके, ये मेरा थर्ड पार्ट है, ओके, और ये मेरा छोटा सा फोर्थ पार्ट है। अब ये 100 लाइन का भी कोड रहता है ना, अभी ये तो सिर्फ 33 लाइन का है, ट्रिगर का कोड 100, 200, 500 लाइन का रहता है, ओके। लेकिन उसको याद रखने का कंसेप्ट ही रहता है, सिर्फ चार पार्ट में उसको याद रखेगा। अश्विनी मैम है क्या यहाँ पे प्रेजेंट? राहुल, अरे अश्विनी मैम, राहुल है क्या यहाँ पे? सर यस सर यस मैम, ये रहते ट्रिगर्स, आपने yes, पढ़े ना ट्रिगर, ये ट्रिगर yes, देखे क्या आपने? ये ट्रिगर, ये तो पहला ट्रिगर है, अभी तो ट्रिगर चालू हुआ है हमारा, ये 8 बजे के बैच में ट्रिगर चालू हुआ है, ये दिस इज माई फर्स्ट ट्रिगर, ये इतना ही ट्रिगर मेरा 32 लाइन का है। जब वो 10 दिन के बाद ट्रिगर लेते तो एक ट्रिगर 100 लाइन का रहता है, वो इंटरव्यू में पूछते हैं। आज एक लड़की को इंटरव्यू में एक ट्रिगर पूछा था, 72 लाइन या 75 लाइन का ट्रिगर था। अब मुझे बताइए मैम, आप बना सकते हो क्या वो ट्रिगर? है ना, ये चीज़ है, मैं ये पढ़ाता हूँ, और ये कंपनी में आपको कभी, मैंने पढ़ाने के बाद कंपनी से आप कभी बाहर जा नहीं सकते, ओके। नो नो, थोड़ा टेक्निकली अलग रहता है, ये पढ़ना है, इसलिए मैं बेसिक सी, जिस लड़के को वॉइड नहीं आता ना, वॉइड, ओके, वो भी लिखता है यहाँ पे। अनुराधा नाम की लड़की है, उसने लिखा हुआ ट्रिगर है, उसका क्वालिफिकेशन है बीकॉम, वो लड़की ने ट्रिगर लिखा हुआ है, ओके। सो आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो कल देखते बाकी का, चलेगा? यस सर, ओके, चलो बाय।